नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका अरिजोना एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है आपको, बेनिफिट्स ऑफ SQC। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको SQC का क्विक रिवीजन कर देता हूँ और फिर इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, जहाँ पे स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है आपके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। इसका यूज़ आप क्वालिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। फिर अभी आपके जो SQC, इसके तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं कि आपका क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल या मैनेजमेंट का एक्शन होता है कि वो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अभी ये जो टूल्स है SQC में, कुछ टूल्स है जैसे आपके कंट्रोल चार्ट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है, इनका यूज़ होता है SQC में। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके क्वालिटी कंट्रोल के। और आज आप भी बढ़ते हैं आपके आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ SQC। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखे हैं और उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप याद रख सकते हो और फिर उसके ऊपर से आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक, तो इफिशियंसी है, अभी SQC अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसको वो क्या करेगा, आपको इंश्योर्स करेगा रैपिड एंड इफिशियंट इंस्पेक्शन इन द कंपनी, लेकिन कैसे, एट द मिनिमम कॉस्ट। ओके, रैपिड एंड इफिशियंट इंस्पेक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, रिडक्शन स्क्रैप कैसे क्या रिड्यूस होता है अगर आप SQC इंप्लीमेंट करते हो। SQC क्या करता है, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्सेसिव वेरिएबिलिटी है कुछ प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या करता है, उसको अनकवर करता है और फिर उसके ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। एट द सेम टाइम फॉरकास्ट द ट्रबल, वो क्या कर रहा है, SQC क्या कर रहा है, अभी आपके जो एक आधी मशीन है उसके ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कुछ आगे बहुत बड़ा स्क्रैप होने वाला है, तो वो क्या करेगा, आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर देगा कि आगे स्क्रैप होने वाला है, नहीं तो क्या करेगा, जो कुछ स्क्रैप होने वाला है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा। उसके बाद थर्ड है इफेक्टिव प्रेशर, अभी आपको पता है कि जैसे मैंने बताया था कि SQC में कौन कौन से टूल्स है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि लॉट आता है, उसमें से आप पर्टिकुलर कोई जॉब निकालते हो और फिर उसके ऊपर डिसाइड करते हो, तो इतने अगर अच्छे निकले, इतने खराब निकले तो आप क्या करोगे, मतलब लॉट, वेदर लॉट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में क्या होता है, मोर इफेक्टिव प्रेशर ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे आपके 100% इंस्पेक्शन में वैसे नहीं होता, 100% इंस्पेक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड जॉब क्या करते हो, आप चेक करते हो। उसके बाद इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, इसमें लिखा है मैंने एक्स बार आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, आपको तो पता ही है चार्ट में क्या होता है, आप मीन लाइन रहती है आपकी, ये अपर कंट्रोल लिमिट रहता है और लोअर कंट्रोल लिमिट रहता है। ऑपरेटर क्या करता है, हर एक जॉब मैन्युफैक्चर करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता है। ठीक है, अभी पहला मेरा पॉइंट यहाँ पे आया, मैंने दूसरा जॉब मैन्युफैक्चर किया तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि मेरा नेक्स्ट जॉब क्या होगा, मेरे अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जाएगा। तो ऑपरेटर देखेगा कि ट्रेंड कैसे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मशीन में जल्दी से करेक्शन कर देगा। लेकिन आपके 100% इंस्पेक्शन में क्या होता है, 100% इंस्पेक्शन में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड जॉब होते हैं, ऑपरेटर क्या, इंस्पेक्टर क्या करता है, उसको चेक करता है और जस्ट शॉर्ट आउट करता है। तो ये SQC का बेनिफिट है, वो क्या करता है, ईजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। उसके बाद मैंने एरो लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज आउटपुट, SQC वजह से आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, एट द सेम टाइम आपका मैन और मशीन टाइम क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या, अगर स्क्रैप, अगर एक आधा कंसिडर करो, एक ऑपरेटर है उसने एक घंटा मशीन चलाया, तो एक घंटे में उसने स्क्रैप ही प्रोड्यूस किया है, उसको पता ही नहीं उसने स्क्रैप प्रोड्यूस किया, तो मशीन का मशीन आवर्स गए, मैन आवर्स गए, तो वो क्या होते हैं आपके SQC में, वो नहीं होता है, वो क्या होता है, कम हो जाते हैं। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ 3M, 3M मतलब क्या, मेन मटेरियल और मशीन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है। फिर बॉटल नेक्स, ये क्या करता है, आपका SQC क्या करता है, अगर आपके किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बॉटल नेक है तो वो क्या कर देता है, वहाँ पे वो रिड्यूस कर देता है, इलिमिनेट कर देता है। बॉटल नेक मतलब क्या, कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, मशीन्स है, लाइन्स है, जिस मशीन का आपका साइकिल टाइम ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे जॉब आके वहाँ पे रुक जाते हैं, अब प्रोसेस वेटिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, उसको क्या कहते हैं, बॉटलनेक कहते हैं। फिर उसके बाद क्रिएटिंग क्वालिटी अवेयरनेस इन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को लगता है कि मतलब कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना चाहिए या क्वालिटी से जॉब मैन्युफैक्चर करना चाहिए। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, अभी क्या करते हो, SQC की वजह से आप प्रोडक्ट अच्छा मैन्युफैक्चर करते हो तो आपका
कस्टमर भी हैप्पी रहता है, एट द सेम टाइम आपका शेयर प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। पॉइंट आउट 100% इंस्पेक्शन, इसका क्या है कि एसकेसी क्या करता है कि पॉइंट आउट करता है कि आपको कौन से स्टेज पे व्हेन एंड वेयर 100% इज नीडेड। कंपनी में ऐसे नहीं है कि जस्ट कहाँ पे भी आप 100% इंस्पेक्शन नहीं लगाओगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे 100% इंस्पेक्शन आपको लगाना ही पड़ता है। जैसे नहीं तो कंसिडर करो, क्रैंकशाफ्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं। क्रैंकशाफ्ट के एग्जांपल में आप जो आपका ग्राइंडिंग का स्टेज है, ग्राइंडिंग के स्टेज के बाद आप पूरे जर्नल्स डायमीटर और पिन डायमीटर 100% चेक करते हो। एट द सेम टाइम 100% इंस्पेक्शन कब होता है, जब आपका जब प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है वहाँ पे भी आपका 100% प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है। इतने ये पूरे पॉइंट्स थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।